दोस्तों, एक्सप्रेसवे वीडियोस की श्रृंखला में हमारा ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ। मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग का नाम अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग हो गया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने नागपुर मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग को शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम देने का निर्णय लिया था। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का काम तेजी से चल रहा है। ये महामार्ग 2022 से पहले तैयार हो जाएगा। मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाले इस महामार्ग पर 2 साल बाद 150 की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के विकास की धुरी साबित होगा। करीब 705 किलोमीटर के इस महामार्ग के बनने से मुंबई नागपुर के बीच की फिलहाल 15 घंटे की यात्रा करीब 8 घंटे में पूरी हो सकेगी और लोग सीधे नागपुर तक 150 किलोमीटर की स्पीड से जा सकेंगे। इसे बनाने में विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। महामार्ग के दोनों तरफ लगभग 1400 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। ये दीवार सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बनने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके आसपास किसान समृद्धि केंद्र बनेंगे जो किसान की भागीदारी के आधार पर विकसित होंगे और किसान के विकास में सहायक होंगे। आइए अब बात करते हैं चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में। करीब 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब कर्नाटक और तमिलनाडु की राजधानियों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का सपना साकार होने जा रहा है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच 262 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे निर्माण की परिकल्पना सन 2011 में की गई थी। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कर्नाटक में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 76 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 91 किलोमीटर और तमिलनाडु में 94 किलोमीटर होगी। 3 राज्यों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों यानी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी मात्र 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी PPP के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण बेंगलुरु के पहाड़ी क्षेत्र होसकोटे से होगा और ये चेन्नई आउटर रिंग रोड को जोड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। दूरस्थ पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ से एक और एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजना तैयार की है जो आजमगढ़ से होते हुए पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र न सिर्फ प्रदेश के अन्य शहरों से जुड़ जाएंगे बल्कि अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड यानी NH 56 पर स्थित ग्राम चांद सराय जनपद लखनऊ से शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु होगा यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर स्थित ग्राम हैदरिया जनपद गाजीपुर। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर की होगी और ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले अन्य जनपद हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इसे 8 पैकेजेस में विभक्त किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का कार्य जोर शोर से चल रहा है।
आइए अब जानते हैं इस परियोजना के फायदों के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी शहर, प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवेज के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएंगे, जिससे पूर्वांचल के शहरों से ट्रांसपोर्ट में काफी हद तक सुविधा मिल सकेगी। ये एक्सप्रेसवे वर्तमान के आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे और मौजूदा यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण ये ईंधन में बचत, समय बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा और साथ ही इससे दुर्घटनाएं होने के आसार भी कम हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे द्वारा आच्छादित क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और अन्य औद्योगिक विकास को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के नजदीकी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, नए शहर और विभिन्न वाणिज्यिक केंद्रों को स्थापित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक मेगा प्रोजेक्ट है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली कटरा की दूरी काफी कम हो जाएगी और अगर समय को देखें तो वर्तमान के मुकाबले लगभग आधा ही लगेगा। वर्तमान में सड़क व रेल मार्ग से दिल्ली कटरा के सफर में 11 से 12 घंटे लगते हैं। 30,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवे परियोजना के मूर्त रूप लेने पर ये दूरी 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट में इस फासले को कम किया जा रहा है। दिल्ली से अमृतसर होकर गुरदासपुर और फिर राजबाग से कटरा के लिए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल दूरी 575 किलोमीटर रह जाएगी। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे के आसपास नए शहर बनेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए प्रस्ताव देगी। एक्सप्रेसवे जहां से भी गुजरेगा उसके आसपास के इलाके में शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी। वर्तमान में हाईवे का रूट पठानकोट, माधोपुर, लखनपुर से जम्मू की ओर है, जबकि इस एक्सप्रेसवे को गुरदासपुर जिले से सीधा कठुआ के राजबाग से जोड़ने का प्रस्ताव है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।